नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी है बड़ी खबर। चार धाम के पुरोहितों ने की सीएम दामिस से मुलाकात। पुरोहितों ने 30 अक्टूबर तक स्थगित किया धरना। सीएम के आश्वासन के बाद धरना हुआ स्थगित। बीते 22 महीने से पुरोहित कर रहे थे प्रदर्शन। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे कि लगातार कई दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जारी था, लेकिन फिलहाल पुरोहितों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। तो उत्तराखंड के चारधाम पुरोहितों के देवस्थान बोर्ड के गठन के बाद से चल रहे आंदोलन को तीर्थ पुरोहितों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि देवस्थान बोर्ड के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसमें चारों धामों के दो दो लोगों को रखा जाएगा और उनसे सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही हाई पावर कमेटी का जो भी निर्णय होगा उसको सर्वसम्मति मानकर सरकार फैसला लेगी। तीर्थ पुरोहितों को उम्मीद है कि जब जल्दी देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हमारी पीड़ा और हमारी दर्द को समझते हैं, तो माननीय धामी जी का हम आभार प्रकट करेंगे कि आज के दिन उन्होंने चार धाम के सभी तीर्थ पुरोहित और वहाँ की महासभाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर अपने समक्ष हमारी जो पीड़ा थी देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उसको सुना और उसमें सटीक निर्णय हमारे फेवर में लिया है। और जो हाई कमेटी, उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी जो गठन किया हुआ है उसमें हमारे ही लोगों को दो दो प्रत्येक धाम से सदस्य चयनित कर दिया गया है और उसमें जो निर्णय हम लोग लेंगे वही सर्वमान्य होगा। और हमने भी सुना मुख्यमंत्री जी ने बोला कि तो चार धाम के पुरोहितों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। पुरोहितों ने 30 अक्टूबर तक स्थगित अपना धरना जो है वो खत्म कर दिया है और पुष्कर सिंह धामी ने भी ये जिक्र किया है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द होगा। तो चारधाम पंचायत के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तमाम परेशानियों का सामना जो है तमाम पुरोहितों को करना पड़ रहा था, ऐसे में जब आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो कार्य जो प्रण आपने लिया वो पूरा हो पाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं इन मंदिरों से जुड़े हुए हकुकुधारियों का पिछले जो है 22 महीनों से यह आंदोलन धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा था। 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मुख्यमंत्री थे उनकी कैबिनेट ने जो है श्राइन बोर्ड नाम से एक प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद राज्य विधानसभा में इसको संशोधित किया गया और 10 दिसंबर 2019 को जो है ये चारधाम प्रबंधन एक्ट के नाम से पारित किया गया और उस बात से ही हम लोग लगातार चारों धामों के तीर्थ पुरोहित जो है आंदोलनरत हैं। वो हमारा भी आंदोलन लगातार चल रहा था 8 अप्रैल 2021 तक। तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक में यह सार्वजनिक घोषणा की कि देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार किया जाएगा और उसके तहत जो 51 मंदिर लिए गए हैं उनको मुक्त किया जाएगा। तो उसके बाद हमने आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम जो हुआ उसमें जो है यहाँ के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने 8 जून को एक स्टेटमेंट दिया कि पुनर्विचार नहीं किया जाएगा इस एक्ट पे। तो 10 दिसंबर से अभी तक जो है हमारा आंदोलन चारों धामों में निरंतर चल रहा है और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि 13 सितंबर को रुद्रप्रयाग जनपद में जो है एक हमारी बड़ी आक्रोश रैली थी जिसमें हजारों लोग जो है चारों धामों से वहां पर एकत्रित होने वाले थे, लेकिन चूंकि आज मुख्यमंत्री ने खुद पहल करके हम लोगों को आमंत्रित किया वार्ता के लिए, तो जो कम्युनिकेशन गैप था पिछले 22 महीनों से, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब एक्ट बनाया तो हम लोगों से कोई बातचीत की बिना हमारी सहमति की एक्ट बनाया गया। तीरथ सिंह रावत ने भी जो केवल घोषणा की लेकिन कोई वार्ता या कोई संवाद कायम नहीं किया। चूंकि अब पुष्कर सिंह धामी ने पहल की है, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी भी बना ली है और आज ये एक और डेवलपमेंट इसमें ही हुआ कि इस हाई पावर कमेटी में हमारे चारों धामों के दो दो जो है तीर्थ पुरोहित जो है उस कमेटी में रहेंगे और हम अपना पक्ष अब जो है बहुत मजबूती के साथ रख सकते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से
यह भी सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारा केवल धरना प्रदर्शन चार धामों में भी स्थगित हुआ है, लेकिन हम विभिन्न धार्मिक संगठनों से, संतों से, शंकराचार्यों से हम जो है बराबर जो है इस मांग को लेकर मिलते रहेंगे और अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। केवल धरना और प्रदर्शन स्थगित किया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्री जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ब्यूरो चीफ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रवीण, अब संभवतः ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया मुख्यमंत्री ने तो अब समाधान जल्द से जल्द होगा। देखिए, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा सरकार के लिए गले का की हड्डी बनती जा रही थी, और चूंकि 2022 में चुनाव है इसलिए तमाम बड़े नेता चिंतित थे कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही थी, सरकार इसको भंग करने को लेकर कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं बोल रही थी, लेकिन आज जो मुलाकात हुई उसके बाद इस पुरोहितों को लगता है कि उनकी मांग मान ली जाएगी और आने वाले समय में इसको भंग कर दिया जाएगा। कुल मिला के देखें तो जो सरकार और जो तीर्थ पुरोहित है उसमें हक हकूक को लेकर लड़ाई है, उसके जो चारों धाम है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उसके आर्थिक जो संसाधन है उस पर किसका हक हो, इसको लेकर लड़ाई है, और उम्मीद की जा रही है कि अब जब बातचीत हुई है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से अगली खबर है, आप नेता कर्नल अजय कोटवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। कई तीर्थ स्थलों का संगम है उत्तराखंड, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। आध्यात्मिक राजधानी से होगी उत्तराखंड की नई पहचान, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। और भाई ट्वेरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात, 1,34,31,00,000 की सौगात दी गई है। कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वेरी दौरे पर हैं। यहां वह नई ट्वेरी स्थित कोठी कॉलोनी पहुंचे और इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वेरी झील में बोटिंग की और झील क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय उत्तरकाशी जनपद भ्रमण के दौरान कोठी कॉलोनी में ट्वेरी झील का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने डोबरा चांटी पुल, फ्लोटिंग हट्स का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ट्वेरी बांध प्रभावितों का पुनर्वास करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, टेरी झील का भ्रमण है वो मुख्यमंत्री ने किया है, डोबरा चांटी पुल का भी निरीक्षण किया। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लाइफ जैकेट पहनकर वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वो तीसरी तस्वीर आपके सामने है, जब टेरी पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आप देख पा रहे हैं फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि एक समान पेंशन करने के लिए शासनादेश जारी किया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि आंदोलनकारी लगातार सरकार के आगे अपनी बात रख रहे हैं, पर सीएम की घोषणा के बाद भी शासनादेश लागू नहीं हो रहा, जो मुख्य बिंदु है उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। रुद्रपुर से कांग्रेस नेता नंदलाल ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के पश्चात आज काशीपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में उनका बैंड बाजे के साथ आप कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया।
आपको बता दें कि बीते दिनों रुद्रपुर से कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी एवं कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे नंदलाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली स्थित आपके राष्ट्रीय कार्यालय में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समक्ष आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिनका आज वापसी के दौरान काशीपुर में आप नेताओं और कार्यकारी ने जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश की जनता को सही दिशा देने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी एक सिस्टमैटिक तौर पर कार्य को अंजाम देती है, जिस कारण मैं आपकी ओर प्रभावित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर जुट रहा है, आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन करी है कुछ पॉलिसी को देखकर ज्वाइन करी है। जहाँ तक मामला कांग्रेस का था, कांग्रेस अपने हिसाब से जो कर रही है वो मतलब धरातल पे नहीं है आज की तारीख में, मतलब सिस्टम नहीं बना पा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बढ़िया सिस्टम लेकर आई है, एक बढ़िया विकल्प के रूप में लेकर आए हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में 70 सीटें हम जीतेंगे। लगातार एक साल से कह रहा हूँ कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में होना है। कांग्रेस अब डूबता जहाज हो चुका है, उसमें कोई नहीं रुकेगा, और चुनाव आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में होगा, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी को 2022 में हराकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर और राजेश कुमार और जन मेजय खंडी द्वारा मसूरी में अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मसूरी माल रूट का निरीक्षण किया गया। वह कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर भी अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए, इसको लेकर समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं उन्होंने मसूरी में यातायात की समस्या को लेकर भी अधिकारियों से बात की। वहीं बिना मास्क में घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई, साथ ही यातायात को भी दुरुस्त किया गया। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में सड़कों पर स्थित पूरी तरह जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, और ये बात खुद ऊर्जा मंत्री भी मानते हैं। ऊर्जा मंत्री ने साथ में यह भी कहा कि कुछ सड़क हॉटमिक्स हो चुकी है, जबकि अभी कुछ होना बाकी है। सड़कों को बदहाल स्थिति की वजह से यह है, खनन के ओवरलोड जम्पर सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह दूसरी ओर स्थानीय लोगों का यह कहना है कि हम मंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं और वो हमें बताएं कि कौन सी सड़क हॉटमिक्स कर बनाई गई है। बौड़ी के चौबटखाल तहसील में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। दरअसल चौबटखाल तहसील के एक गांव में बीती 24 अगस्त को मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तबीयत खराब होने के बाद नाबालिग को परिजन चिकित्सक के पास ले गए थे, जहां नाबालिग के 7 महीने के गर्भवती होने की पुष्टि हुई और किशोरी ने गांव के एक युवक को, जो लड़की के रिश्ते में ताऊ लगता है, उसको जिम्मेदार बताया। पिता के तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो व्यवहार समेत विभिन्न धाराओं में राजस्व पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 24/8/2021 को राजस्व क्षेत्र पट्टी किमगढ़ी तहसील चौबट्टा खाल पर पंजीकृत मुकदमा 376 भारतीय दंड विधान 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हुआ। मुकदमे में फरार अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ घ्याऊ को थलीसैंड पुलिस द्वारा दिनांक 9/9/2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकला है। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। वह लक्सर में किसानों ने कहा है कि 22 सितंबर को लक्सर से किसान यूनियन सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। किसान यूनियन नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की शुरुआत लक्सर में की जाएगी। 22 सितंबर को लक्सर में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें भारी तादाद में किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लक्सर पहुंचने के बाद किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश महासचिव रवि कुमार ने कहा कि सरकार जो अपनी हठधर्मिता रवैया अपना रही है, उसके खिलाफ लक्सर में महापंचायत होगी। इस महापंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचेंगे। तैयार आम जितने भी हम साथी हैं, लक्सर में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई खामियां होनेगी नहीं। हम पूरे किसान मजदूर जितने भी हैं सब साथ लेकर चलेंगे। जितने संगठन है हमारे, जैसा संयुक्त मोर्चा है, सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होगी। राकेश टिकैत जी का प्रोग्राम अगर हमने लिया, कोई वैसे ही नहीं लिया, वैसे ही ले लिया तो नहीं कर लेंगे। 2-4 हजार आदमी हुए इकट्ठे, पंचायत कर ली। राकेश टिकैत जी या जिस पंचायत को चाह रहे हो ऐसी पंचायत देंगे, उससे कभी भी कम नहीं होगी।
5 सितंबर को हमारी मुजफ्फरनगर संयुक्त किसान मोर्चा की एक ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी। उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार और चुनाव आने वाले वहीं वहीं हम बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। और भाई रुड़की में लगातार बढ़ रहे वायरल मरीजों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर के जवाईखेड़ा गांव में पिछले दिनों मलेरिया से मां बेटियों की मौत के बाद से गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। परिवार के दो सदस्य अभी भी एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ के निर्देश के बाद गांव में जिला मलेरिया अधिकारी के निरीक्षण कर ग्रामीणों के सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग और साफ सफाई के लिए नगर पंचायत को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में अभी तक एक डेंगू का कंफर्म हुआ है और बाकी अभी जहाँ से भी जांच के लिए हम आते हैं हम लोग रैपिड डेंगू टेस्ट का करते उसको कर लेते हैं और उसको कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। जो पिछले बार ही 7 मैंने ऐसे थे जो एंटीजन इसमें रैपिड में आ रहे थे लेकिन कंफर्मेशन में नहीं आए, तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग हो रही है डेंगू पर हो रही है। और भाई एनएसयूआई ने रुड़की के मालवीय चौक पर JEE पेपर लीक होने के मामले में नाराजगी जाहिर की है। एनएसयूआई ने केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अपने चहेतों को नियुक्ति देने पर राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि जिस तरह से JEE का पेपर लीक हुआ है उसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में उन्होंने धन सिंह रावत पर भी अपने चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा आदरणीय मंत्री धन सिंह रावत जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं और हमारे देश के उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उन्होंने 56 भर्तियां बैकडोर से की है जबकि उस महाविद्यालय में किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं थी। 56 भर्तियां जो अवैध की गई है उस मांगों को लेकर आज हमने एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय धन सिंह रावत जी के इस्तीफे की मांग की है और सरकार से मांग करते हैं कि CBCID से उसकी जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में शनिवार की सुबह कई पर्वतीय इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इससे लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट, चमोली जिले के जोशीमठ और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यानी में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह रही कि कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट इलाके में शनिवार सुबह लगभग 5:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने हल्का झटका महसूस किया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। पुलिस कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मुख्यालय और उप तहसील धौंतरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंद्रह सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुरमीत सिंह, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद बने राज्यपाल। चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री बजेंद्र भगत शुक्रवार रात धरने में बैठ गए हैं। इससे हल्द्वानी से देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। करीब 1.25 घंटे बाद मंत्री धरने से बैठे हुए हैं और दरअसल हल्द्वानी शहर के सबसे पॉश कॉलोनी से अटेंशन लाइन हटाकर गांव की सड़क पर अटेंशन लाइन को लगाने का विरोध स्थानीय लोग अभी का लगातार कर रहे थे। इस तरह की कोशिश गांव में हुई थी जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई और जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीणों का विरोध करने के बावजूद विभाग मनमानी करने लगे। वही इस बात की जानकारी मिलने पर रात करीब 10:30 बजे कैबिनेट मंत्री बजेंद्र भगत ने लोगों के साथ देकर वही धरने पर बैठ गए। चलिए वक्त तक छोटे से ब्रेक का।